नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मामला तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन इससे भी अधिक मामला जो अभी और गर्म हो रहा है झारखंड में वो है राज्यसभा की सीटों को लेकर, जहां जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस हर पार्टी चाहती है कि उनके उम्मीदवार राज्यसभा तक पहुंचे। लेकिन वही जो कुड़मी समाज है उनका भी अपना एक परेशानी है, उनकी भी अपनी एक शिकायत है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक राष्ट्र स्तर पर कोई भी उम्मीदवार कोई बड़े मंत्री पद पर नहीं रहा है, तो इस बार राज्यसभा में कहीं ना कहीं हमारे इस समाज के लोग राज्यसभा तक जाने चाहिए इलेक्शन में। इस चीज को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है कुर्मी समाज के अध्यक्ष शीतल जी। शीतल जी, सबसे पहले बताइए आप लोगों की मांगे क्या है, राज्यसभा जो चुनाव हो रहा है इस पर आप लोग क्या मांगे? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से कुर्मी जाति से झारखंड से किसी कुर्मी जाति को राज्यसभा सदस्य के लिए नहीं भेजा गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं दोनों राष्ट्र पार्टियों से, इस बार जो दो सीटों पर चुनाव हो रही है, ये दोनों सीटों पर राष्ट्र पार्टी कुर्मी जाति से कैंडिडेट दे और कुर्मी जाति का जो मान सम्मान है उसको बरकरार रखे। इस राज्य में कुर्मी जाति का 23.5% आबादी है, एक बड़ा आबादी है कुर्मियों का, और कुर्मी जाति के बगैर सहयोग का ना राज्य में कोई सरकार बना सकती है, ऐसा प्रभाव है कुर्मियों का। उसके बावजूद कुर्मी जाति को हमेशा से वोट बैंक बना के लोग दोनों राष्ट्रीय पार्टी और जेएमएम भी कभी ये पहल नहीं की कि कुर्मी जाति से किसी को राज्यसभा सदस्य के लिए भेजा जाए। इतना दिन हो गया झारखंड अलग होने के बाद भी बहुत सारे लोग सभी जातियों से राज्यसभा के रूप में भेजे गए, लेकिन कुर्मी जाति से राज्यसभा के रूप में आज तक नहीं भेजा गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं दोनों राष्ट्र पार्टी से और जेएमएम से भी कि इस बार जो दो सीट है उसमें कुर्मी जाति से राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी दे। यानी ये हुआ कि एक बार फायदा आप लोगों का उठा लेते हैं वक्त पे और फिर आप लोगों को छोड़ देते, ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल, दोनों राष्ट्रीय पार्टी कुर्मियों को तो धांगर समझ ली कि ये लोग मेरा वोटर है और इसको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। अभी जो पंचायत चुनाव चल रहा है, हम लोग लगातार 15-20 वर्षों से समाज में जाके गांव-गांव समाज को समझाने में सफल हुए हैं कि हमको वोटिंग कैसे करना है, कहां मेरा समाज को फायदा होगा, हम उस पर सफल हुए हैं। और इस बार कोई जिला परिषद का जो कैंडिडेट है वहां 5-10 कुर्मी जाति से कैंडिडेट हैं एक सीट पे, फिर भी कुर्मी का जीत हो रहा है। हम लोग सफल हो गए हैं कि कुर्मी को कैसे वोटिंग करना है, तो इन सभी बातों को लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय पार्टी उनको टिकट दे कुर्मी को। लेकिन क्या उम्मीद आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि हर पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने में पूरा पुरजोर लगी हुई है, अपने ही जोड़ तोड़ में। इवन जेएमएम कांग्रेस में लड़ाई हो जा रही है राज्यसभा सीट के लिए, आपको लगता है इसमें आपका कोई स्कोप है? देखिए, वो तो पार्टी का उनका अपना लड़ाई है, और ये जो कुर्मी समाज है आज जेएमएम अगर खड़ा है तो कुर्मी समाज के बदौलत, आज अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ा है झारखंड में तो कुर्मी समाज के बदौलत। कांग्रेस में कुर्मी जाति को उतना ज़्यादा ये नहीं है, और उसका वजह है कि कांग्रेस कभी कुर्मी को तरजीह दी ही नहीं, और उस वही कारण है कि आज तक कांग्रेस बैकफुट में है। आज अगर कांग्रेस कैंडिडेट दे दे कुर्मी जाति से, आने वाला दिन में कांग्रेस भी झारखंड में एक सही जगह पे रहेगी। तो इनका मजबूरी पार्टी लेवल पे अपना है, कुर्मी जाति को कैंडिडेट देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो तीनों जो पार्टियाँ हैं जेएमएम हो और दोनों राष्ट्र पार्टी, हम लोग उनका कार्यालय घेराव, प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।